हेलो एवरीवन। तो एसएससी जेई 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका है, आप लोगों को पता है। तो उसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं अकांश गुप्ता, जिनका एसएससी जेई 2023 में सीपीडब्ल्यूडी मिला है। इनका जो रैंक था 106 था। बहुत सारे एग्जाम इन्होंने क्रैक किया है और एमटेक भी है इनका आईआईटी से, और गेट में भी अच्छा रैंक है। तो आज उनसे बात करेंगे बहुत सारी चीजों पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। तो एकांश, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल थैंक यू सर। फर्स्ट में। ऑफ तो ऑल थैंक यू, आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया इन सबके सामने, मतलब मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। यस सर। तो मैं पहले नंबर आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपका स्कूल बैकग्राउंड कैसा था, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पढ़ने में कैसा था, कैसे थे, मतलब क्या आपका बोर्ड था, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा बताइए स्टूडेंट को। सर मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ, एमपी खरगोन डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। मैंने जो मेरी 10th और 12th है, मैं 10th एमपी बोर्ड से कर रखा था, और ट्वेल्थ में मैंने मतलब एक्चुअल में मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे सीबीएसई था नहीं, तो मैंने सीबीएसई से चाहता था क्योंकि मैं चाहता था कि आईआईटी में जाऊँ। और सीबीएसई का ऐसा होता है कि थोड़ा सा जो सीबीएसई का स्कूल पैटर्न होता है, एग्जाम पैटर्न, वो आईआईटी को जेडब्ल्यू को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सर फिर मैंने 12th सीबीएसई से करा था, वो एक्चुअली मेरे होम टाउन से 40 किलोमीटर था, तो मेरे को डेली अप डाउन करना पड़ता था क्योंकि मेरे होम टाउन में अवेलेबल नहीं थी सर स्कूल। तो उस टाइम भी मतलब मेरे अच्छा स्कोर था जेडब्ल्यू में विदाउट कोचिंग। फिर उसके बाद मैंने मेडिगेस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंदौर से मेरा बीटेक किया, और मैंने सेम उसी टाइम पे गेट की प्रिपरेशन भी करी। उसके बाद मैंने उसी टाइम टू मतलब जिस टाइम में फाइनल ईयर में मैंने गेट क्रैक करके आईआईटी कानपुर में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए मैंने एमटेक किया सर उसके बाद वहां से। आपका ब्रांच सिविल था, बट आपके उस स्कूल में कैसे परसेंटेज थे, 10th और 12th में कैसे परसेंटेज था? 12th में मेरे 80% थे, और 9th में मेरे 90%, 10th में मेरे 90% सर। फिर उसके बाद आपने कॉलेज में गया, तो कॉलेज में आपका कैसा रहा, कॉलेज कॉलेज में जाने के बाद जैसे आपका क्या इंटरेस्ट रहा, कैसी पढ़ाई रही, कैसे थे और क्या माहौल था गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के, सारी चीजों पे थोड़ा सा आप व्यू दीजिए अपना। फिर कॉलेज में जो थोड़ा मेडिकल हेक्टिक कॉलेज है सर, वहाँ पे कॉलेज अटेंडेंस मैटर करती है, तो वहाँ पे डेली जाना पड़ता था। और मेरी क्लास का टॉपर भी था सर, मतलब जब फाइनल ईयर तक मैं क्लास टॉपर था सर। फिर मैंने उसी साथ मतलब उस साल मेरी मेडिकेप्स में सिविल इंजीनियरिंग में टॉप रैंक थी सर, 1200 रैंक थी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में सर गेट में। उसके बाद मैंने एक्चुअली उसके साथ मैंने आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी इनका भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन आईआईटी कानपुर मत, और मेरे एक्चुअल में उस टाइम एग्जाम भी चल रही थी बीटेक फाइनल ईयर, तो थोड़ा सा हेक्टिक होता था मैनेज करना। लेकिन फिर मैंने आईआईटी कानपुर का मतलब सिलेक्शन हो गया था मेरा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। मेरा ड्रीम था सर आईआईटी जाना, तो फिर मैंने तो आईआईटी ऑब्वियसली पूरा ज्वाइन हो गया। कर तो बीटेक में आपके लिया। यस कितने परसेंटेज थे? ठीक सर। मेरे 80.1 CGPA था, 8.1 CGPA था। तो आपके कॉलेज में क्या था, मतलब कॉलेज में आपके जो सारे स्टूडेंट बैचमेट थे, जो थे क्लासमेट, जो कैसे उसमें स्टूडेंट का क्या था कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या एमटेक करना है, मास्टर्स करना है, क्या था, क्या माहौल था वहां पे कि हमको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है कि नहीं था? सर मेरे जो फ्रेंड्स है बैचमेट है उनका सबका इंटर गवर्नमेंट सेक्टर में था, और हम लोग मतलब हम लोग 10 लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग सब ने कोचिंग साथ में ज्वाइन कर रखी थी उस टाइम, मतलब इंजीनियरिंग सर्कल। तो उस टाइम इतना था भी नहीं कोचिंग का, हम लोग बस ऐसे ही जाते थे टाइम पास के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे वहाँ पे कॉलेज के साथ, क्योंकि थोड़ा सा कॉलेज हमारा हेक्टिक था, हमको कॉलेज जाना पड़ता था, थोड़ा डिफिकल्ट होती थी चीजें मैनेज करना। लेकिन सर फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स करने गया, तो वहां पे आईआईटी कानपुर में सर बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, वहां पे बहुत सारे थे, तो वो तो है। कोई गेट में अंडर 100 है, कोई आईएएस क्रैक कर चुका है फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई सेकंड अटेम्प्ट। तो वहां से थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिला कि हम लोग मैं भी कर सकता हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने सर उसके बाद मैंने जॉब भी करी थी एक साथ प्राइवेट सेक्टर में। फिर मेरा सर जॉब के साथ ही मैंने प्रिपरेशन करी, और मेरा एमपीबीएससी AE में सिलेक्शन हो गया था सर। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी और मेहनत कर लूंगा तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लूंगा। वो यस तो ठीक। आपने कोई कोचिंग कहीं से लिया था, जैसे कि वो क्या कहते हैं, गेट के प्रिपरेशन के लिए या एसएससी जेई के प्रिपरेशन के लिए आपने कहीं से कोचिंग किए थे? नहीं सर, मैंने अभी जो SSC जो प्रिपरेशन, अभी कोई सी प्रिपरेशन नहीं की, अभी कोई सी कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी।
मैंने जब जब बीटेक कर रहा था उसी टाइम पे मैंने यहाँ इंदौर में कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी। ओके उसके बाद मैंने अभी कोई कोचिंग नहीं करी सर, मतलब 2-3 साल से, मतलब मैं जॉब के साथ भी खुद ही सेल्फ प्रिपरेशन करी थी, उसके बाद भी मैंने सेल्फ प्रिपरेशन नहीं। ओके तो एसएससी जेई का कैसे इंटरेस्ट आपको आया कि एसएससी जेई में मतलब मुझे करना है एसएससी जेई, कैसे इंटरेस्ट आया ये चीजें? सर मेरे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो चुका था, मतलब बहुत सारे लोगों ने मेंस भी एग्जाम लिख रखा था, तो मेरा इंटरेस्ट था कि या मतलब मेरे फ्रेंड्स का हो गया है तो मतलब मैं भी एटलीस्ट ट्राई कर सकता हूँ। तो मेरा सर जब पिछला जो तो पहले वाला अटेम्प्ट था पिछली बार, वो उसमें मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, अच्छा तो ये ओके मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2023 वाला। अच्छा ओके तो कैसे तो प्रिपरेशन स्टार्ट इस हुआ? तो टाइम देखिए आपका टेक्निकल तो एग्जैक्टली सही होगा क्योंकि गेट में आपके कितने रैंक थे, 885 रैंक थे ना, 85 885 थे, यस तो यस ठीक सर, है 880 आपका। और एसएससी जेई में आपके हैं 106 रैंक है। यस। तो पहले नंबर मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप कोचिंग नहीं लिया तो टेक्निकल कैसे पढ़ना शुरू किया? जैसे एसएससी जेई और गेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है क्योंकि गेट का जो होता है थोड़ा न्यूमेरिकल बेस पे ज्यादा होता है, और जो एसएससी जेई हो जाता है मोस्टली क्या होता है, न्यूमेरिकल और थ्योरी मिक्सअप होते हैं। तो कैसे आगे टेक्निकल में, क्या पूरा आप टेक्निकल पढ़े या थोड़ा बहुत छोड़े भी आप उसमें? सर मैंने सर बेसिकली ये अटेम्प्ट ट्राई किया था कि मैं जितना ज्यादा रिवाइज कर सकूं कंटेंट को, क्योंकि यदि हम लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे, यदि चीजें याद नहीं रहेगी तो हम वहां पर टिक नहीं कर पाएंगे। तो यस मेरा यस ऐसा था कि सर मैं पहले ट्राई करता था कि जो नोट्स हैं वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। सर ओके ऑनलाइन बहुत सारी कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता है, तो मैंने ऑनलाइन मतलब मेरे दोस्त का मटेरियल भी ले लिया था कोचिंग का, तो मैं बुक से ही पढ़ता सर बेसिकली। मतलब मेरी आदत थी बीटेक में भी कि मैं बुक से प्रीफर करता था पढ़ाई को, ओके ओके तो मैंने बस। और उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज जो टेस्ट बुक पे थी सर, जितनी टेस्ट हो सकते थे मैं डेली के 500 क्वेश्चन लगाता था, ओके तो मतलब एक्चुअली क्या है, देखिए अभी क्या है, आपने जो सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट कवर किए थे एसएससी जेई के लिए, क्या कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिए थे? बेसिक कौन कौन सब्जेक्ट ऐसा था, मेजर सब्जेक्ट आपने ज्यादा कवर किया, और माइनर सब्जेक्ट क्या था ऐसा कि जिसमें बहुत ज्यादा स्कोरिंग आपका था, और कितना आपका टेक्निकल में नंबर था, आपको कुछ याद हो तो जरूर बताइएगा। सर मैंने सभी सब्जेक्ट कवर किए थे, लेकिन सर एसएससी का जैसे वेटेज होता है कि बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन कॉस्टिंग ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो सर मैंने इनको भी फोकस किया था। और सर मेरे जो एसएससी प्रीम है 62 नंबर से सर ओके टेक्निकल में टेक्निकल, 62 मार्क्स थे, ठीक यस सर, और है। रीजनिंग और जीके वाले पार्ट में 66 मार्क्स अच्छा 66 मार्क्स थे, ठीक है। है, यस सर। तो आपने टेक्निकल ऐसे कवर कर लिया था, ठीक है। तो टेक्निकल में आपने बहुत मतलब अच्छे मार्क्स थे, 66 मतलब। अगर और जैसे कोई स्टूडेंट एकदम बेसिक कुछ भी नहीं पता हो तो क्या उस कैसे कवर कर सकता है टेक्निकल को? मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं बहुत खराब कॉलेज से आते हैं तब भी एसएससी जेई के लिए जाना चाहते हैं, तो लो स्टूडेंट का बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, तो कैसे टेक्निकल को कवर करें? सर टेक्निकल के लिए जैसे आप लोग नोट्स बाय कर सकते हैं ऑनलाइन, कोई भी मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग जैसे आईएएस मास्टर हो गई, मेडीज़ी हो गई। सर आजकल कंपटीशन इतना है, हम लोगों को पूरा सब चीज गो थ्रू होना चाहिए, आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते। जैसे अभी भी सर देख सकते हैं 347 अप्रोक्स कट ऑफ गई है सीपीडब्ल्यूडी के अंदर, सर मतलब एकदम कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है सर। तो आप कोई भी एक भी क्वेश्चन यदि गलत होगा तो आप सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी या कोई भी डिपार्टमेंट आपको नहीं मिल सकता है, तो इसलिए आपको तो सब सब्जेक्ट गो थ्रू होना चाहिए, और जितनी प्रैक्टिस हो सके आप प्रैक्टिस करो सर। क्योंकि सर ऐसा हुआ था इस बार भी जो एसएससी का है उसमें डीडीए के पीवाईक्यू भी आ चुके हैं, मतलब जो डीडीए अभी रिसेंट में होते हैं उसके भी 2-3 क्वेश्चन उसी के एग्जैक्ट जो पिछली बार आए हैं सेम क्वेश्चन आ चुके हैं सर, तो उससे भी सर मेरे को बहुत बेनिफिट मिला था। ओके तो एक्चुअली अब देखिए एक चीज है, टेक्निकल को रिवीजन कैसे करते हो? एक्चुअली स्टूडेंट का बहुत क्वेश्चन होता है कि रिवीजन में बड़ा फंस जाते हैं कि यार रिवीजन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते भूल जाते हैं, स्टूडेंट का बहुत क्वेश्चन आता है रिवीजन को लेकर, रिवीजन बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इतना सारे सब्जेक्ट होते हैं। सर मेरी स्ट्रेटेजी ये थी सर कि विद इन 21 डेज मेरे को वापस वो सब्जेक्ट पे आना है। जैसे सपोज मैंने आज जियोटेक कंप्लीट किया तो 21 डेज बाद मेरे को वापस सेम जियोटेक पढ़ना है एनी हाउ, तो मैं सर 21 डेज स्ट्रेटेजी फॉलो करता था कि मैं डेली रिवाइज करता था। डेली तो रिवाइज नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी ट्राई करता था कि विद इन 1-2 दिन बाद कोई ना कोई सा सब्जेक्ट रिवाइज कर लूं, क्योंकि सर रिविजन इज द की टू सक्सेस। रिविजन नहीं हो पाएगा तो उसके बिना आप चीज ही मतलब रिमेम्बर नहीं कर पाओगे। वो तो है।
वो तो है। क्या एक दिन में कितने सब्जेक्ट को रिवीजन करते थे आप? अगर पहले से पढ़ लियो तो कितने सब्जेक्ट लेके चलते थे? एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ते थे आप फिर? सर जैसे सपोज 500 पेज की यदि सपोज पीडीएफ है या 500 पेजेस के नोट्स है मेरे, तो मैं ट्राई करता था कि 100 पेज एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट ट्राई करता था कि 100 100 पेजेस दोनों के हो जाए, कि कोई बढ़िया। आरसीसी हाईवे में साथ में ले लेता सर, दो सब्जेक्ट आरसीसी हिस्ट्री ले लेता था। ओके, तो आपने क्या मतलब सोर्सेस क्या लिए थे जैसे टेक्निकल पढ़ने के लिए? क्या कौन सी बुक फॉलो किए थे आप? सर टेक्निकल के लिए तो मैंने ऑनलाइन नोट्स आईएएस मास्टर के, जो मेरे फ्रेंड थे, मैंने मेरे फ्रेंड्स ने कोचिंग कर रखी थी सर, तो मैंने उनके नोट्स की फोटोकॉपी करवा ली थी सर, और मैंने बस उनको ही रिवाइज करते गया था सर, जो नोट्स थे उनको रिवाइज करते गया। और सर जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसके लिए तो सर जितनी प्रैक्टिस होगी वो मतलब आप उसके बिना कर नहीं सकते, तो मैंने सर जो अपने इलेक्ट्रिकल ब्रांच मैकेनिकल ब्रांच के जो भी पीवाईक्यू हैं और जो भी उनकी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो मैं ट्राई करता था कि विद 35 मिनट्स में कर लूं। ओके, तो टेक्निकल के लिए आप जैसे कि पीवाईक्यू किस बुक को फॉलो किए? कोई ऐसा स्टैंडर्ड बुक था पीवाईक्यू, इसको फॉलो करें इसको ना फॉलो करें? क्या पीवाईक्यू करने का क्या एक अच्छा तरीका हो सकता है? जैसे पीवाईक्यू से फायदा होता है कि नहीं होता है स्टूडेंट को? सर स्टूडेंट ने पीवाईक्यू करना चाहिए लेकिन मैंने नहीं किए थे, मैंने सर टेस्ट बुक पे इतनी टेस्ट लगा दिए थे कि ऑलमोस्ट सभी पीवाईक्यू कंप्लीट हो गए थे। ओके ओके, हाँ, क्योंकि टेस्ट बुक आपने टेस्ट सीरीज जो फॉलो किया था, टेस्ट सीरीज का फॉलो किया, तो उसपे क्वेश्चन अभी आएंगे। टेस्ट सीरीज के क्या फायदे होते हैं उस पर अभी आएंगे हम। उसके बाद अभी मैं चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए क्या किया था आपने? रीजनिंग के लिए क्या बुक सोर्सेस फॉलो किया था और कैसे कवर किया था? कैसे प्रैक्टिस करते थे आप? सर रीजनिंग के लिए बस प्रैक्टिस के कारण, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी एक्यूरेसी भी आएगी, क्योंकि आपको वहां पे 35 मिनट्स ही मिलेंगे अप्रोक्स, आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। आप इसके लिए बस आप प्रैक्टिस करिए जितनी हो सकती है, और आप जैसे जैसे सपोज कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा टेस्ट सीरीज में तो आप उसको नोट कर लीजिए, और फिर उसको 2 3 दिन 4 दिन में आप उसको रिवाइज करते रहिए, तो उससे एक अपना सबकॉन्शियस माइंड में भी वो बैठ जाएगा कि इस पे ये अप्रोच कर सकते हैं हम लोग। तो आपने टेस्ट टोटली मतलब रीजनिंग प्रैक्टिस से किया था, टेस्ट बुक के थ्रू किया था? यस सर तो ओके, तो आपके रीजनिंग में कितने मार्क्स थे? 44 मार्क्स है, 44 मेरे मार्क्स थे। 45 या 46 अटेम्प्टेड थे सर, और उसमें 40 क्योंकि सर टाइम भी नहीं मैनेज करना पड़ता, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है क्वेश्चंस, तो टाइम पे उसमें मेरे आएंगे, फोर्टी फाइव अटेम्प्ट है। अभी टाइम पे बात करेंगे, क्योंकि एसएससी जेई टाइम का ही खेल है सब कुछ है। तो ठीक है, तो उसके बाद हम अगला जो है हमारा जो अगला है कि उसके बाद जीएस जीके में क्या था? जीएस जीके आपने कैसे पढ़ा था? बुक क्या कोई फॉलो किया था? और क्या मतलब कितना पॉडकास्ट पूरे साल जीएस जीके पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? ये सारी चीजें पे बात थोड़ा सा। जीए जीके के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि जो पीवाईक्यू सर एक बार पीवाईक्यू के साथ गो थ्रू हो सकते हैं, तो हमको पता चल जाएगा किस टाइप का पैटर्न होता है सर, और सर बेसिकली इसमें करंट अफेयर साइंस भी आता है। तो जीएस का थोड़ा सा आप बताओ क्या था? सर जीएस के लिए मैंने सर जो ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के लिए, तो मैंने सर मैराथन देख ली थी जो भी अवेलेबल है एसएससी के लिए और एचएसडीएल के लिए, तो सर उससे मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प हुई है। और सर जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट था उसके लिए मैंने सर जो प्रीवियस 1 ईयर्स के जो करंट अफेयर्स थे उनकी जो मंथली करंट अफेयर्स है, तो अराउंड सर 150 200 क्वेश्चन थे, तो मैंने उनको 2 3 बार उनके गो थ्रू हो गया था, तो उससे भी सर मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिली। कौन सा बुक आपने फॉलो किया था सर करंट बुक तो अफेयर मैंने के? कोई ऐसी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स फॉलो नहीं करी बुक सर, मैंने ये यूट्यूब पे मंथली करंट अफेयर्स थे वो ओके ओके कोई सी भी उनको मैंने सर उनको देख लेता था सर। ओके ओके तो आप जैसे जी पॉलिटिक्स हिस्ट्री ये सब आप किस कोई बुक फॉलो नहीं किया था आपने? ये सर मैंने बुक फॉलो नहीं किया था सर, जो भी उनके अंदर जो जैसे आर्टिकल्स होते हैं तो आर्टिकल एक बार गो थ्रू कर गया था कि जैसे जो हॉट टॉपिक्स हैं तो जो भी आर्टिकल हॉट जैसे हॉट टॉपिक्स को होते हैं वो मैंने कर लिया था सर, उस पे मैं जीएस में कितने मार्क्स थे आपके? 22 मार्क्स थी जीएस। ओके, तो गुड मार्क्स, 22 मार्क्स, अच्छा मार्क्स है। तो आपका टोटल प्री में कितने मार्क्स थे? 128 मार्क्स है सर। 128 मार्क्स थे। ओके उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज का कैसे बेनिफिट उठाया? जैसे कि आपको स्पीड की प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीजों का प्रॉब्लम आता है, इसको कैसे आपने उसको यूटिलाइजेशन किया टेस्ट सीरीज का?
सर जब मैं स्टार्टिंग में टेस्ट देता था तो इशू तो होता था टाइम का, तो मतलब मैं उस टाइम तक अराउंड 150-170 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाता था। लेकिन सर फिर मैंने रीजनिंग में ही एक्चुअली इशू होता हम लोगों को, तो रीजनिंग के लिए सर मैंने जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इनके जो भी PYQs हैं रीजनिंग पार्ट वाले, तो सर टेस्ट में वो 50-50 मिनट्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं, मतलब जो टेस्ट होते हैं रीजनिंग वाले पार्ट के, तो सर मैंने उनको जितनी बार लगा तक सकता था, और सफिशियंट कंटेंट अवेलेबल है सर टेस्ट बुक पे टेस्ट सीरीज के लिए, तो आप मतलब उनको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अब उसके थ्रू प्रैक्टिस से ही सर होती है रीजनिंग। ओके, तो और आपका ये बेनिफिट था कि आप GSG के सारा टेस्ट सीरीज से ही कर लिए थे, कोई ऐसा बहुत ज्यादा बुक फॉलो नहीं किया था, स्टैंडर्ड बुक फॉलो किए होंगे बहुत सारा पढ़ने के लिए कुछ है। सर मैंने सिविल के लिए तो बेसिकली जो जसपाल सिंह सर के लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स भी हैं और उनका नोट्स भी अवेलेबल है, बहुत सारे कंटेंट फ्री में अवेलेबल है उनका, तो सर उनके कंटेंट मोर देन सफिशियंट है सर, यदि आप उसके कंटेंट से सिविल पढ़ लेते हैं तो आप मतलब सब हो जाएगा सर और सब चीजें कवर हो जाती तो आपको ये फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, ये मतलब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट है। SSC JEE आपने दिया था, यस सर, इसके मेरा फर्स्ट। ड्यूरिंग मतलब प्रिपरेशन के दौरान और कौन सा एग्जाम आपने अटेम्प्ट किया था और जो मतलब आपका फायदा था? सर मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए थे, JSSC दिया था, उसका भी अभी रिजल्ट वेटिंग है, और सर भेल भेल का भी एग्जाम दिया था तो उसका भी मेरा इंटरव्यू है सर, और बार्क का भी इंटरव्यू दिया है मैंने, बार्क का भी एग्जाम उस ड्यूरेशन में था, तो सर उस ड्यूरेशन में सर बहुत सारे एग्जाम्स है, मतलब जैसे मैं MPPGCL था सर, उसमें मैं शायद एक दो तो नंबर से मतलब जस्ट बाउंड्री पे था, मैं हुआ नहीं था उसमें भी, तो सर यस सर। तो आप जो आगे प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है, 2024 के लिए 5-6 महीने बचे हैं, तो उन स्टूडेंट को आप क्या बोलना चाहोगे कि मतलब कैसे प्रिपरेशन करने चाहिए, क्या गलतियों को सुधार करने चाहिए, अगर गलतियां करते हैं तो क्या उनको बोलना चाहोगे आप? सर आप टेस्ट सीरीज अच्छे से रिग्रेसली प्रैक्टिस करिए सर, क्योंकि विदाउट टेस्ट सीरीज हमको पता चलता है कि हमारी कहाँ मिस्टेक्स हो रही है, तो पहले टू एग्जाम में भी सर हो सकता है कि हम लोगों से, क्योंकि सर आजकल PYQ से आजकल जो पेपर हो PYQ से नहीं आ रहा था, आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल भी आपके थोड़ा न्यूमेरिकली एबिलिटी भी अच्छी होना चाहिए सर, क्योंकि जो मेंस होता है वो भी थोड़ा गेट लेवल का ही आता है ऑलमोस्ट सर, जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मेरा और था इससे जाने से पहले, CVT 2 का आपने कैसे प्रिपरेशन किया? एक्चुअली क्या इस बार पैटर्न चेंज हो गया था, तो इसको आपने कैसे, यस कहाँ से फॉलो किया, कंटेंट कहाँ से लिया, मतलब क्योंकि स्टूडेंट के मन में था कि क्या पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कैसा पेपर आएगा? सर, वही जैसे मेरे गेट की प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी तो उससे सर मेरे को बहुत बेनिफिट मिला था, तो गेट के जो मैंने PYQ है वो मैंने 2-3 बार लगा चुका हूँ, तो उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला, और सर बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जो अभी जैसे रिसेंट में कोई एग्जाम हुआ था, जैसे DDS के पहले ही एग्जाम हुआ था जस्ट, तो DDS से 2-3 क्वेश्चन सेम टू सेम डेटा वाले आ गए थे सर, एक तो 10 mm एग्रीगेट वाला आ चुका था, ओके 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 तो 2-3 क्वेश्चन सर 2-3 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, 8 मार्क्स का डिफरेंस यदि आप सपोज वो उसको करते हैं, ओके तो सर यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, और नोट्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू, नोट्स के बिना मतलब आप नहीं कर पाओगे, यदि नोट्स आपको अच्छे से, यदि आप नोट्स का क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तो सर आप पहले ही लैग कर जाएंगे सर। इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, ESC के क्वेश्चन, ESC के क्वेश्चन क्या कुछ मैच करता है ऐसा? सर मैंने ESC भी लगा रखी थी, मैंने सर मैंने बोला जैसे आपको कि टेस्ट सीरीज मैंने जैसे UKPSC ओके, आपने पूरा टेस्ट UPPSC सीरीज, अच्छा ओके, पूरा यस सर, टेस्ट मैंने सीरीज के टेस्ट सारे सीरीज क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगा लगा रखे। ली यस सर। ओके, तो उसके बाद आप जैसे स्टूडेंट को बोलो कि टेस्ट सीरीज, उसके बाद और क्या ऐसे फॉलो करेंगे कि जो 2024 में देने वाले हैं? सर टेस्ट सीरीज फॉलो करिए आप तो, और उसके बाद जो नोट्स है ना नोट्स से आप रिवाइज करिए, नोट्स से बाहर नहीं जाता सर पेपर, मतलब 2-3 क्वेश्चंस आएंगे वो किसी से नहीं बनेंगे, हम लोगों को बेसिकली सिलेक्शन लेना है, तो 2-3 क्वेश्चंस आएंगे जो IAS कोड से आ जाएंगे, या हमने IAS कोड का नाम भी नहीं सुना होगा तो वो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सर मोस्टली क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं आता, हमको नोट्स बस अच्छे से रिवाइज करना चाहिए सर, मेरा तो ऐसा है। तो और क्या बोलना चाहेंगे, कुछ और ऐसा टिप्स हो जो मतलब? सर नोट्स रिवाइज करिए सर, मेरे से यही गलती होती थी कि थोड़ी मैं जल्दी जल्दी कर लेता था, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक बार जब आप आंसर टिक कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार लास्ट में क्वेश्चन देखिए उसने क्या पूछा है, क्योंकि हम लोग बे जल्दी यदि हम बस फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं और आंसर कर देते हैं और लास्ट में सपोज उसने नॉट करके पूछ लिया तो हम सीधे -4 हो जाएंगे, तो
अब आप ट्राई करिए कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। पहले यदि आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ लिया, तो आप 50% आपने ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ओके। और स्पीड का क्या, स्पीड का जो इश्यूज होता है ना जब एग्जाम में मेन पेपर में जाते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट के साथ क्या होता है ना कि वो पूरा 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर, वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, चेक भी नहीं कर पाते हैं कि यार कौन सा, और 10 15 20 क्वेश्चन ऐसे ही छूट जाते हैं, तो उससे कैसे मतलब पूरा गो थ्रू हो सके पूरे क्वेश्चन को, इसमें क्या करना चाहिए इनको। प्रैक्टिस ही होता है ये सर। हम लोग मतलब ट्राई करिए सर कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो विद इन 1 आवर एनी हाउ कंप्लीट हो जाए, रीजनिंग जो जीके वाला। और हाफ 1 आवर रहेगा आपके पास, तो आप 1 आवर में जो टेक्निकल के अराउंड 80 क्वेश्चन भी हमने लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए सर एक्यूरेट, तो मोर देन सफिशियंट नंबर है सर। टॉप इस बार के जो टॉपर है उनकी 140 नंबर से प्रीम है, तो हमको वैसे भी 130 नंबर लाना है यदि हमको सीपीडब्ल्यूडी चाहिए। तो मतलब प्री में आप एटलीस्ट ट्राई करिए कि 130 मार्क्स आ जाए। सर और आपके CBT 2 में कितने मार्क्स थे? मैं 223 मार्क्स थे सर सीपीटी 2। 223 मार्क्स थे। तो और कुछ कहना चाहेंगे बाकी, या एंड किया जाए लाइव को? नहीं सर बस यही है कि आप बस मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, एटलीस्ट एट द एंड जब रिजल्ट आता है तो आपके फैमिली के लिए भी प्राउड मोमेंट होता है सर। और सर जो भी हमने मेहनत की रहती है उस जिस दिन रिजल्ट आता है वो सब कंपनसेट हो जाती है सर, फिर वो पता नहीं लगता है कि हम कितनी मेहनत। यस यस राइट। तो बस यही करते हैं, बाकी इंड करते हैं लाइफ यस को। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यस यू।